अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल स्पाइस खाना विद नाज़िया में आपका वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम है चिकन मलाई बोटी मसाला। ये इतनी टेस्टी और इजी रेसिपी है कि हर कोई इसे बनाना चाहेगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हमें 1 टीस्पून बटर देना है। बटर के मेल्ट होते ही हमें सारे चिकन को दे देना है। मैं यहाँ पे 1/2 kg चिकन ली हूँ। अब हमें बटर के साथ चिकन को फ्राई कर लेना है। हमें 1/2 टीस्पून शहद ज़ीरा दे देना है। देकर इन्हें अच्छे से मिक्स करते हुए चिकन को हमें 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेना है, जिससे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। चिकन हमारे फ्राई हो गए हैं, तो अब इसे निकाल लेते हैं। 1 बड़े चम्मच और तेल को हमें देकर तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। अब हमें कुछ खड़े मसाले को तेल में दे देना है। 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 1 जावित्री, 1 चीज़ पत्ता, 1/2 टीस्पून शाही ज़ीरा गरम तेल में हमें देकर इन्हें थोड़ा सा फ्राई होने देना है। ऐसा करने से तेल में हमारे बहुत ही अच्छे से फ्लेवर आ जाते हैं। अब हमें 1 प्याज को रफली कट करके दे देना है। एक टमाटर को भी रफली कट करके हमें दे देना है। दस से 12 पीस यहाँ पर काजू को भी हमें दे देना है। इन सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए हमें 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेना है। फ्राई हो गए हैं, तो इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब इसमें हमें थोड़ा सा धनिया के पत्ते को देकर इसे ग्राइंड कर लेना है। इनका एक पेस्ट बना लेना है। अब हमें 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट देना है। इन्हें थोड़ा फ्राई कर लेना है। अब हमें कुछ पाउडर मसाले को ऐड करना है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। लो फ्लेम पर इसे हमें 1 से 2 मिनट पका लेना है। अब हमें ग्राइंड किए हुए टमाटर, प्याज और काजू का पेस्ट दे देना है। देकर इन्हें हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 चम्मच नमक को हमें ऐड कर देना है। देकर हमें मिक्स कर लेना है। मसाले को हमें तेल सेपरेट होने तक पका लेना है। मैं यहाँ पे 3 से 4 मिनट मसाले को पकाई हूँ, तो आप देख सकते हैं कि सारे तेल सेपरेट हो गए हैं। 10 इसी पॉइंट पे हमें सारे फ्राई किए हुए चिकन को दे देना है। अब हमें चिकन को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब चिकन मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, तो हमें यहाँ पे 3 से 4 चम्मच फ्रेश क्रीम को देना है। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे हमें दूध देना है, तो मैं यहाँ पे छोटे कप से 1 कप दूध दे रही हूँ। देकर इन्हें अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। ध्यान रहे कि दूध को हमें लो फ्लेम पे देना है। एक चम्मच चिकन मसाला पाउडर ऐड करना है। 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करना है।
थोड़ा सा हमें बटर भी दे देना है। और इन्हें अच्छे से चला लेना है। अब हमें इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट पका लेना है। इसमें हमें कोई पानी ऐड नहीं करना है। एक से दो बार इन्हें हमें खोल कर चला लेना है। फिर से इन्हें कवर करके हमें पका लेना है। 10 से 15 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए, तो इन्हें खोल कर देख लेते हैं। अब हमें क्रश किए हुए कसूरी मेथी दे देना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ही ली हूँ। ये देने से टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। हमारा चिकन बनकर रेडी हो गया है। चिकन मलाई बोटी मसाला की रेसिपी एक बार आप जरूर ट्राई करें। ये बहुत ही टेस्टी होती है। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा।